हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में। आज दोस्तों हम यहाँ पर एक ऑनलाइन टीचिंग करने का और तरीका बताने वाले हैं, जिस तरीके से आपको पढ़ाना यहाँ पर ज़्यादा पसंद होता है पीडीएफ फाइल से। पीडीएफ फाइल से दोस्तों ज़्यादातर टीचर्स को पढ़ाना पसंद होता है, तो आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप पीडीएफ फाइल से पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ा सकते हैं, आप अपने पीडीएफ फाइल से और अपने व्हाइट बोर्ड से यूट्यूब पर आसानी से पढ़ा सकते हैं। इधर आपका क्वेश्चन भी आएगा और आपका इधर यानी कि व्हाइट बोर्ड रहेगा और इधर आपको क्वेश्चन भी लगा रहेगा और इधर आप कुछ भी यहाँ पर अपने मार्कर के थ्रू समझा सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन हो उसको आप यहाँ पर इजीली समझा सकते हैं। आपको बस क्या करना पड़ेगा, अपना आपको कंटेंट रेडी करना पड़ेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। आप पीपीटी के द्वारा नहीं, पावर पॉइंट के द्वारा अपना कंटेंट रेडी करेंगे और फिर उसे आप पीडीएफ में सेव कर लेंगे और फिर आराम से आप पढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर जानेंगे पीडीएफ फाइल से पढ़ाने का। उसको आप ओबीएस स्टूडियो में ऐड करके आराम से आप एक डिजिटल बोर्ड की तरीके पढ़ा सकते हैं। आपको क्वेश्चन लिखना भी नहीं पड़ेगा और वो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन भी बदल जाएगा। जब आप चाहेंगे तब वो क्वेश्चन बदलेगा और जब चाहेंगे वो क्वेश्चन हाइड भी हो जाएगा। बस नॉर्मली आपको पहले पीडीएफ रेडी करना है और पीडीएफ रेडी करने के बाद उसको आपको ओबीएस में ऐड करना है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इसके लिए अगर आप व्हाइट बोर्ड से पढ़ाना चाहते हो तो आपके पास व्हाइट बोर्ड होना चाहिए। अगर आप पेन टैबलेट से पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास पेन टैबलेट से होना आपके पास पेन टैबलेट होना चाहिए। लेकिन मैं बेसिकली यहाँ पर व्हाइट बोर्ड से पढ़ाना बताऊँगा, क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड अभी पेन टैबलेट है नहीं। जब मेरे पास पेन टैबलेट हो जाएगा तो मैं उससे भी पढ़ाने का आपको तरीका बताऊँगा पीडीएफ के द्वारा। लेकिन हम व्हाइट बोर्ड से पढ़ाने का तरीका जानेंगे। व्हाइट बोर्ड में पढ़ाना दोस्तों आसान होता है पेन टैबलेट से, क्योंकि यहाँ पर आपको इनफ जगह मिलती है, यानी ज़्यादा स्पेस आपको लिखने के लिए मिलता है और पेन टैबलेट में आपके पास इतने स्पेस नहीं होता लिखने के लिए। तो आप इस पूरा प्रोसेस जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जिससे कि आपके वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीडीएफ कैसे बनाएंगे और फिर हम ओबीएस में क्या क्या सेटिंग करना है सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने पावर पॉइंट पर आना है, जैसे कि मैं यहां पर अभी आ चुका हूं। ये वाला यहां पर फॉर्मेट इस प्रकार का आपके सामने पावर पॉइंट का होम पेज आएगा और यहां पर अब आपको अपना पहले पूरा कंटेंट रेडी करना है। और कंटेंट कैसे रेडी करना है, आपको जो स्लाइड का बैकग्राउंड कलर है उसे ग्रीन करना है, क्योंकि इसे हमें ओबीएस में हटाना भी है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ स्लाइडें इस प्रकार रेडी की हुई हैं और इनको रेडी करने का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और उसको हम नीचे लिंक दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब मैंने यहाँ पर रेडी किया हुआ है। ओके, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको जानकारी दे दूंगा कैसे क्या करना है। आप लिख वगैरह हो सब सकते हैं, हिंदी में भी लिखने का मैंने वीडियो बनाया बिना टाइपिंग के। आप इंग्लिश लिखेंगे और हिंदी टाइप हो जाएगा आपको। जैसे कि ये वाली मैं देखिए इसमें इस विंडो में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आपको जाना है डिजाइन में। डिजाइन में आने के बाद आपको यहाँ मिलेगा फॉर्मेट बैकग्राउंड, ठीक है, इसमें जाएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का आ जाएगा। यहाँ पर आपको सॉलिड फिल पर रखना है और इस कलर के ऑप्शन पर जाना है और मोर कलर पे जाना है और यहाँ इसको ग्रीन कर देना है इस प्रकार। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन लिखना है। नॉर्मली आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है इंसर्ट में आ करके, और देखिए इसे आपको अप्लाई टू ऑल कर देंगे और इसे आप कट कर देंगे। ठीक है, अब आप जितने जितने भी स्लाइडें लेंगे उन सब में कलर ग्रीन ही आएगा। देखिए जैसे मैंने तीन लिया तो तीनों में देखिए ग्रीन ही आया है। ठीक है, आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर आपको दिखेगा टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर आप इसमें क्वेश्चन लिखेंगे। ऐसे कि मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है, और यहाँ ला करके उसको कर दूंगा मैंने पेस्ट। देखिए मैंने इसको पेस्ट किया और इसका साइज यहाँ से मैं इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, खंड सेमी बोल्ड मैंने यहाँ पर फॉन्ट रखा। इन सब फॉन्ट को ऐड करने के लिए एक वीडियो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और इस प्रकार लगा लेंगे। और अगर इसमें आउटलाइन देना चाहते हैं आउटलाइन भी आप दे सकते हैं, इसको हल्का सुपर कर देंगे और इसमें आउटलाइन आ जाएगी। फॉर्मेट पर जा करके आउटलाइन का ऑप्शन दिखेगा, शेप आउटलाइन, यहाँ पर आउटलाइन दे देंगे, देखिए आउटलाइन भी आ जाएगी। इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, आप टेक्स्ट बॉक्स लेकर के उसमें आप आराम से लिख सकते हैं। फॉन्ट वगैरह आपको यहाँ से इंक्रीज करना है। होम में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से आप फॉन्ट इंक्रीज बड़ा चेंज करेंगे। ये इधर फॉन्ट साइज के लिए है, इससे आप इसको बोल्ड कर पाएंगे। जैसे कंट्रोल में कर लेता हूँ, और ये आई वाले से इसको आप इस प्रकार इटैलिक कर पाएंगे। इसमें आप अंडरलाइन दे पाएंगे, एस से
आप देखेंगे इसमें इसको हम हटाते हैं। देखिए ये यहाँ पर शैडो है शायद आ गई है, ठीक है ये शैडो के लिए होता है, ये शैडो हमें नहीं देना, ठीक है तो शैडो के लिए हम यहाँ से कंट्रोल ए करके हटा देंगे। तो ये सब आप यहाँ पर अगर करना चाहते हो तो कर लीजिए, और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर पाएंगे। नॉर्मल आपको इतना ही यहाँ पर करना होता है। तो इस प्रकार आप पीडीएफ रेडी कर लेंगे, मतलब कंटेंट आप रेडी कर लेंगे। अब जब इसको आपको अब पीडीएफ में सेव करना है, तो पीडीएफ में सेव करने के लिए जैसे मेरे यहाँ पर स्लाइडें हैं, देखिए यहाँ पर करीब 21 स्लाइडें, ठीक है इन्हें हम हमें सबको पीडीएफ में सेव करना है। तो क्या करना है आपको, सिंपल फाइल में जाना, ऊपर आपको यहाँ पर देखिए फाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस फाइल के ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, मैं दिखा देता हूँ ये फाइल का ऑप्शन है, ठीक है ये फाइल का ऑप्शन, इसमें आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। आप देख सकते हैं ये एक्सपोर्ट दिख रहा है, इसमें क्लिक करेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि मेरा ये पावर पॉइंट जो है 2013 का 2013 का वर्जन है। आप 10 के ऊपर वर्जन यूज करिए, क्योंकि 2007 में इतने फीचर्स नहीं मिलते हैं, तो आप 10 के ऊपर वर्जन यूज करेंगे, ठीक है और उसको आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्री वर्जन के लिए कई सारे यूट्यूब पर वीडियो हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और कहेंगे तो मैं भी उसको फ्री में इंस्टॉल करने की वीडियो बना दूंगा। यही 2013 PPT यानी 2013 वर्जन पावर पॉइंट का, ठीक है यानी कि एमएस ऑफिस का, उसमें सब कुछ मिल जाएगा, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट सब कुछ उसमें मिल जाएगा। तो एक्सपोर्ट पर जाएंगे, एक्सपोर्ट पर आने के बाद आपको मिलेगा देखिए क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट्स, ये ऑटोमेटिक यहीं पर डिफॉल्ट सेट रहेगा, ठीक है तो इसमें सिंपल आपको क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर क्या करना है ये डेस्कटॉप में सेव करना है, ये मैं और इसको मैं कॉन्टेंट नाम दे करके पब्लिश करता हूँ। डेस्कटॉप में ही सेव करेंगे जिससे कि आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी, और देखिए ये इस प्रकार सेव हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है इसको, इस वाली को हम यहाँ से कर देते हैं कट, और इसको भी कर देते हैं कट क्योंकि हमें इसका काम हो गया है ख़त्म। देखेंगे कि कंटेंट नाम से मेरे पास एक पीडीएफ सेव हुआ है, इसको ओपन करता हूँ मैं, ठीक है इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा, 1 मिनट, ओके अभी ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम ले सकता है। तो देखेंगे कि यहाँ पर मेरी जो पीडीएफ ओपन हो चुकी है, और यहाँ पर सारे क्वेश्चंस मेरे पास देखिए लगे हुए हैं, ठीक है थीके? यहाँ पर आपको सारे पेज नहीं दिखेंगे, लेकिन आप अपने माउस की बटन से आप इसको इस प्रकार करेंगे तो देखिए चेंज हो जाएगा, ठीक है और एरो वाली बटनों से आप करेंगे तो चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये बटन से मैं दबाऊंगा तो देखिए क्वेश्चन चेंज हुआ, फिर दबाऊंगा तो देखिए चेंज हुआ, और इससे बैक आ जाएंगे और इससे भी आगे पीछे आप जा सकते हैं, ठीक है तो इन बटनों का आप यूज करेंगे इसको आगे पीछे करने के लिए। अभी मैं आपको ये पीडीएफ में कैसे होगा वो भी बता वो सॉरी ओबीएस में कैसे होगा बताऊंगा। तो इतना हो गया आपका पीडीएफ सेव करने का वर्क, ओके अब आपको क्या करना है, सारा काम आपको अपने ओबीएस में करना है, ठीक है ना, सारा काम आपको अपने ओबीएस में करना है। तो हम सबसे पहले अब चलते हैं अपने ओबीएस पर, और वहां से आपको अपना कैमरा कैसे सेट करना है, व्हाइट बोर्ड पर, या आपके पास वेब कैम है तो उसे आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास वेबकैम नहीं है तो मोबाइल को के कैमरा को एज ए वेबकैम यूज कर सकते हैं। मैंने वीडियो बना दिया, आपको नीचे लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो हम सबसे पहले अपने ओबीएस की स्क्रीन पर चलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने ओबीएस में आना है। सबसे पहले ओबीएस को ओपन करेंगे तो इस प्रकार अगर ब्लैक दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है तो यहाँ पर अगर डिस्प्ले कैप्चर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डिस्प्ले कैप्चर ऐड कर लेंगे लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन हमें अपना वेबकैम लगाना है तो हम सीधे जाएंगे अपने यहाँ पर ड्रॉइड कैम ओबीएस पर, ठीक है और ओके करेंगे तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको। तो यहाँ इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल को अपने हॉटस्पॉट ऑन करना है मोबाइल के, और वाईफाई से कनेक्ट करना है लैपटॉप या पीसी के, ठीक है देखिए मेरा मोबाइल यहाँ पर कनेक्ट है, और डाटा आपको आप ही रखना है। अब यहाँ पर आना है आपको, यहाँ पर आप ऑप्शन दिखेंगे रेजुलेशन का, रेजुलेशन यहाँ से आप रखेंगे 1920x1080 का, और इसके बाद यहाँ से आप वीडियो फॉर्मेट करेंगे MJPEG, और जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ ऐसे ही रखना है। डिवाइस यूज वाईफाई इसको ये ऑटोमेटिक रहेगा, और वाईफाई आईपी यहाँ पर आपको डालना है, ये डिवाइस आईपी आपके ऐप पर मिल जाएगा ड्रॉट कैम ओबीएस के मोबाइल पर। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जो मेरा डिवाइस आईपी है, ठीक है और इसको मैं डालने के बाद और ड्रॉट कैम पोर्ट मिल जाएगा आपके मोबाइल पर, इसको डालेंगे, मैंने ऑलरेडी डाल रखा है तो मैं यहाँ पर नहीं डालूंगा। और इसके बाद आपको इनेबल आइडियो कर देना है क्योंकि हमें आइडियो भी चाहिए, और एक्टिवेट कर देंगे तो इस प्रकार देखिए हमारा यहाँ पर कैमरा आ जाएगा। अभी हमें इसके थोड़ा सा सेट वगैरह करना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पर
सेट करते हैं। तो ये हमारा सेट हो चुका है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर इस प्रकार सेट हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा और लेफ्ट में लाते हैं, राइट में, बस हो गया, बस इतना हमारा देखिए परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप इसको वहां से देख लीजिएगा, मैं दोनों वीडियो के लिंक दे दूंगा, क्योंकि दो वीडियो मैंने इसके लिए बनाए थे। अब मैं अपने मोबाइल पे आकर के इसको थोड़ा सा एक्सपोजर को ऑफ करता हूँ, ठीक है, और मोबाइल के फ्लैश को ऑन किया, एक्सपोजर ऑफ किया, ईवी यानी कि एक्सपोजर वैल्यू को मैं हल्का सा इंक्रीज कर देता हूँ, लगभग कर देता हूँ 5 तक, ठीक है। और इसको माइक्रो टाइप करके ये अपने मोबाइल में मैं सब कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सब ओके रहेगा यहाँ पर, तो हमारा मोबाइल देखिए हमारे ओबीएस से कनेक्ट हो चुका है। इसका मैं डिटेल में यहाँ पर नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर देखिए मेरा ओबीएस में मेरा मोबाइल कनेक्ट है और अच्छी तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है। ओके, अब यहाँ से हमें वॉइस भी लेना है, तो हमें पहले वॉइस की सेटिंग करना है, तो मैं जाता हूँ सेटिंग पर, वॉइस वाले देखिए यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ऑडियो मिक्सर में ड्रॉइड कैम ओबीएस, और इसमें आपको फिल्टर पे जाना है, और यहाँ पर फिल्टर में आने के बाद आपको ऐड कर लेना है ऑडियो फिल्टर पे, यहाँ पर आपको ऐड करना है नॉइज कंप्रेशन, ठीक है, ओके करना है, और यहाँ पर फिर आपको नॉइज गेट दिखेगा, ओके करना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा कंप्रेसर, ओके करना है, ये तीन फिल्टर आपको ऐड करना है, कंप्रेशन, नॉइज गेट, कंप्रेसर, और क्लोज करना है, इतना आपको करना है। अब ये वॉइस तभी लेगा जब आप बोलेंगे, वरना ये बैकग्राउंड नॉइज यहाँ पर कैप्चर नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमें अपनी पीडीएफ लगाना है, तो पीडीएफ के लिए प्लस पे जाना है, आपको जाना है यहाँ पर पीडीएफ डॉक्यूमेंट होस्ट स्क्रिप्ट, ये आपके ओबीएस में डिफॉल्ट नहीं होगा, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वो सब पहले आप वीडियो देखिए, तभी आप इसमें कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो जाना है आपको इसमें क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ब्राउजर में जाना है, ब्राउजर में आने के बाद आपको देखिए मेरी डेस्कटॉप में पीडीएफ है, पीडीएफ जहाँ पर भी हो इस प्रकार सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे, तो आपकी पीडीएफ यहाँ पर देखेंगे कि ये आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपना पेज नंबर दे देंगे, अगर ये पेज नंबर चेंज करेंगे तो उसी पेज नंबर से शुरू होगा, तो मैं फर्स्ट से ही लगाऊंगा, और पीडीएफ में अगर पासवर्ड पड़ा है तो यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर दिखेगा ओवरराइड डीपीआई, इसमें कुछ कुछ भी नहीं करना है आपको, ओवरराइड पेज साइज इसको कुछ नहीं करना है, और सिंपल यहाँ से ओके करना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको इसको हल्का से क्रॉप कर देना है, जैसे कि इसको मैं इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पर अगर हल्का ही क्रॉप करना है, ज्यादा आपको क्रॉप नहीं करना, आप ये देख लेंगे कि आपका ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कहाँ तक है, ठीक है, वो आपको करके और इस प्रकार कर देना है, और इसको यहाँ पर हल्का सा इंक्रीज कर देंगे 1 मिनट इस प्रकार, ठीक है, बढ़ा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे, और नीचे लगा सकते हैं। अब इसमें आपको करना है फिल्टर में जाना है, और फिल्टर में आने के बाद इसमें करना क्या है, आपको एक यहाँ पर सोर्स ऐड करना है, आपको दिखे क्रोमा की, इसमें ऐड कर देंगे, और इसको हल्का सा इस प्रकार देखिए पूरा ग्रीन रहेगा, यहाँ से आप इसको की कलर टाइप ग्रीन करके हल्का हल्का इसको आप बढ़ाएंगे कि अच्छी तरीके से यहाँ पर हट जाए, ठीक है, इस प्रकार देखिए सब हट जाएगा, और स्मूथनेस को एकदम यहाँ पर मैं लो करके स्मूथनेस को इस प्रकार रखेंगे और क्लोज कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे कि आपका क्वेश्चन का जो पीछे का बैकग्राउंड है वो हट चुका है, और आपका क्वेश्चन यहाँ पर अच्छी तरीके से विजुअल हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। आप एक काम अभी आपको और करना है, ठीक है, एक काम अभी आपको, ये जो ऊपर देखिए बैक बैक ब्लैक दिख रहा है, ये मैंने यहाँ पर ऐड किया था, लगाया था, मेरा फॉर्मेट आउटलाइन लगाया था, इसलिए यहाँ पर ये दिखेगा, तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, जाना है सेटिंग के ऑप्शन पर, सेटिंग में आऊंगा मैं, सेटिंग में आने के बाद जाना है मुझे यहाँ पर हॉट कीज में, और हॉट कीज में देखिए आपको मिलेगा एक ऑप्शन यहाँ पर सीन, जो मेरी है सीन में, सीन जो जिस सीन में आप ये सब कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो सीन दिख जाएगी, तो मैं देखिए सीन नामक नामक यानी कि जो मेरे सीन का नाम है सीन ही है, तो मैं इसी में ये कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मुझे दिखेगा एक ऑप्शन शो पीडीएफ डॉक्यूमेंट के लिए, अगर आप इसको शो करना चाहते हैं,
और हाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप दे दीजिए, जैसे मैं इसके लिए एस नाम देता हूँ और इसके लिए एच नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये हमने हार्ट की जाइड की, आप एच करेंगे तो ये शो होगा और एस टाइप करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ठीक है, सॉरी एस करेंगे तो ये शो होगी। अब इसके बाद आपको मिलेगा, नीचे आएंगे तो ये ड्रॉइड कैम सॉरी पीडीएफ गॉट स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पर आपको प्रीवियस पेज के लिए आपको माउस जो आपका कीबोर्ड है उसके लेफ्ट और राइट बटन यहाँ पर देना, प्रीवियस के लिए मैं लेफ्ट दूंगा और नेक्स्ट के लिए मैं राइट दे दूंगा, और यहाँ से इसको अप्लाई करना है और इस प्रकार कर देंगे ओके, ठीक है। अब एस फिल कर दूंगा तो ये देखिए हाइड हो गया, और एस मैं दबाऊंगा तो ये आ जाएगा, और राइट की प्रेस किया तो देखिए क्वेश्चन चेंज हुआ और प्रीवियस यानी कि लेफ्ट की प्रेस किया तो क्वेश्चन बदल गया, इस प्रकार देखेंगे कि ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे और इसको मैं शुरू में आ जाता हूँ एकदम, ठीक ना। यहाँ पर देखेंगे कि मेरा क्वेश्चन है एक्स और वाई एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, एक्स अकेला 9 दिन में समाप्त कर सकते, वाई अकेला इसी काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेगा, तो इस प्रकार आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे ओके। अब सिंपल आपका ये सब रेडी है, अब आपको यहाँ पर केवल रिकॉर्डिंग करना है, तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे, अगर आप लाइव कर रहे हैं तो आप लाइव भी कर सकते हैं स्टार्ट स्ट्रीमिंग के जरिए, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है लाइव जाने के लिए। तो स्ट्रीम की यहाँ पर आपको ला करके पेस्ट करना है सेटिंग पे जाकर के, जैसे जैसे मैं सेटिंग पे जाता हूँ तो ये स्ट्रीम की आपको यूट्यूब से मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ला करके पेस्ट करके अप्लाई करके ओके कर देंगे तो आप लाइव भी जा पाएंगे, स्टार्ट स्ट्रीमिंग करके लाइव जा जाएंगे, लेकिन मुझे अभी रिकॉर्डिंग करना है तो मैं यहाँ से अपनी रिकॉर्डिंग को चालू करूंगा, और इसके बाद आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कैसी रिकॉर्डिंग होती है। तो इतना आपको नॉर्मल अपने ओबीएस में करना है, और एक बार देखिए अगर आपको यहाँ पर कुछ और ऐड करना है तो यहाँ पर आप और भी यहाँ चीजें ऐड कर सकते हैं, लोगो अगर आपको लगाना है तो आप अपने यहाँ पर लोगो वगैरह भी लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे मैं जाता हूँ अपने वीएलसी सोर्स वीडियो सोर्स में, और यहाँ पर मुझे जाना है एक में वीडियो ऐड करूंगा, ऐड फाइल कर दूंगा, तो इस प्रकार का देखिए वीडियो मैंने इसको बनाया। अगर आपको इसको बनाना सीखना हो, ये जो यहाँ पर मेरे नीचे चल रहा है, तो आप नीचे कमेंट करिएगा तो मैं आपको बता दूंगा इसको बनाना भी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से देखिए इस प्रकार ये मेरा लूप यानी कि लूपिंग रहेगा और ये चलता रहेगा, तो अब हम इसकी रिकॉर्डिंग करके दिखाएंगे कैसे क्या रिकॉर्ड होता है। तो हम अब लैपटॉप की स्क्रीन से बाहर जाते हैं और आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाने वाले हैं। अब आप जो यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जो यहाँ पर ये आपका वीडियो देख रहे हैं आप वीडियो, यहाँ पर ये आप मेरे मोबाइल फोन से और ओबीएस स्टूडियो के थ्रू मेरे मोबाइल कैमरे से यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। आप यहाँ पर इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, अगर आपको कुछ भी यहाँ पर समझाना है तो आप इजिली यहाँ पर समझा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जितनी भी सेटिंग मैंने आपको बताई उतनी सेटिंग यहाँ पर करेंगे। मुझे तो दोस्तों इतना मुझे पसंद आया, इतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी यहाँ पर दिख रही है, बस एक ही प्रॉब्लम आपको लगती है, जैसे कि ये यहाँ पर आपको दिखेगा यानी कि क्या नाम है उसका, वाटरमार्क वाला, ठीक है। ये समस्या थोड़ी सी है लेकिन ये अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, और ये जो तरीका है बहुत अच्छा है दोस्तों ये। लेकिन ये जो वाटरमार्क है ये आपका कहीं बीच में आएगा और कहीं साइड पे चला जाएगा, ना तो किसी प्रकार की यहाँ पर लैगिंग देखने को मिलती, सब कुछ यहाँ पर बराबर चलता है, ठीक है। और मेरा लैपटॉप यहाँ पर नीचे रखा रहता है, ठीक है, मेरा लैपटॉप मेरे यहाँ पर एक टेबल रखी हुई, जो जैसे मैं हाथ यहाँ पर रखा हूँ तो एक टेबल है, ठीक है, और यहाँ पर लैपटॉप है और कैमरा मेरा सामने है, ट्राइपॉड पे लगा हुआ है, ठीक है। और इधर देखिए आपको ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप जैसे कि ये क्वेश्चन आपने बोला यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको लैपटॉप को मूवमेंट करता हूँ अपनी तरफ, ठीक है, और मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ एक्स और वाई एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो यदि एक्स अकेला उसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है तो वाई अकेला इस काम को कितने दिन लगेंगे वाई को करने में, आप यहाँ पर आराम से बताएंगे कि एक्स और वाई एक काम को 6 दिन में करते हैं, भाई एक्स प्लस वाई एक काम को 6 दिन में करते हैं, वाई अकेला इसे कर सकता है 9 दिन में, ठीक है, वाई अकेला इसे 9 दिन में कर सकता है, और इनका अब क्या होगा, आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है, ठीक है, इनका जो है एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ तक एलसीएम होगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए इनकी, ये तो हमारा हो गया वर्क टोटल मान लिया हमने, और ये एफिशिएंसी निकलेगी 36 18 9 2 18, ठीक है, और एक्स प्लस वाई की जो एफिशिएंसी है
ये 5 हो जाएगी, और ठीक है ये दोनों की, और y की एफिशिएंसी केवल है हमारे पास 2, तो x की एफिशिएंसी हमें मिल जाएगी 3, ठीक है ना। और हमें यही बताना है कि y अकेला, सॉरी यहाँ पर ये x है, ठीक है ये x है, तो यहाँ पर आप रखेंगे ये y को और यहाँ पर रखेंगे 2, ठीक है, तो ये y का मान निकलेगा 3। अब बोला है y अकेला कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा आपका, मेरे देखिए थोड़ा मार्कर की इंक यहाँ पर खत्म हो चुकी है इसलिए आपको शायद कम दिख रहा होगा, ठीक है, तो इंक आपको प्रॉपर रखना है। तो यहाँ पर हमें क्या सिंपल करना है, 18 में 3 का हमें भाग दे देना, शायद क्वेश्चन कहीं मिस्टेक हो चुका है मुझसे, ठीक है, छत्री कटा 2018 में मुझसे कहीं मिस्टेक हुआ, तो यहाँ पर 6 दिन लगभग आएगा, ठीक, इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मुझसे कहीं मिस्टेक हो गया या क्वेश्चन या कहीं यहाँ पर रंग होगा, ठीक है। तो ये तरीके से आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं, मैं तो केवल आपको यहाँ पर पढ़ाना बता रहा हूँ। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन चेंज करना है, तो क्वेश्चन चेंज करने के लिए जो मैंने आपको लेफ्ट और राइट वाली बटने बताई थी वहां से आप सिंपल इस प्रकार करेंगे तो देखिए क्वेश्चन चेंज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% दर से लगने वाले साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है यहाँ पर 14.48 है, मूलधन ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर 3 वर्ष के लिए है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन चेंज करना है तो इस प्रकार चेंज कर लेंगे, आप आराम से यहाँ पर बता पाएंगे। और जो मेरे यहाँ पर नीचे लगा हुआ है इसको मैंने बनाया आज पावर पॉइंट से वीडियो के द्वारा, वो वीडियो फॉर्मेट में, इसको लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अब इस प्रकार करेंगे, क्वेश्चन देखिए हमारा चेंज हो रहा है, सिंपल आप इस प्रकार क्वेश्चन चेंज कर देंगे, देखिए कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन चेंज हो रहा है, अगर ये हल्का सा दबा तो इस प्रकार कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप आराम से आप पीडीएफ के द्वारा पढ़ा सकते हैं, पावर पॉइंट से पीडीएफ बना करके। और अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया हो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं आज की वीडियो यहीं तक रखता हूँ, मेरा जितना टॉपिक था मैंने आपको पूरा बता दिया, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस चैनल की वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।